नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान सुखोई सुपरजेट 100 बना आग का गोला, वीडियो हुआ वायरल। रूस की राजधानी मॉस्को में रविवार को इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त एक विमान में आग लग गई। इस घटना में 41 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रविवार को हुए इस हादसे में जब विमान हवा में था तभी उसमें आग लग गई। इसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हालांकि क्रैश लैंडिंग के वक्त विमान पूरी तरह आग का गोला बन चुका था। कोई सुपरजेट 100 यात्री विमान में दुर्घटना के वक्त विमान में 78 लोग सवार थे। आग लगने से 41 लोगों की मौत हो गई, 37 को बचा लिया गया है। मरने वाले में 2 बच्चे भी शामिल है। घटना मॉस्को एयरपोर्ट पर हुई है। एयरपोर्ट के एक अधिकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने विमान से बाहर निकलने में भी देरी की क्योंकि वे अपने सामान को साथ ले जाना चाहते थे। हादसे का शिकार हुए सुखोई यात्रा विमान ने इसमें 73 यात्री और 5 क्रू मेंबर सवार थे। दुर्घटना की जांच कर रही टीम की प्रवक्ता इंटरपोल ने कहा कि विमान में मौजूद 78 लोगों में से सिर्फ 37 लोग जीवित है, यानी 41 लोगों की मौत हो गई। बीच सड़क पर अंडे देते हुए कोबरा का दुर्लभ वीडियो हुआ वायरल। कर्नाटक की सड़क पर एक कोबरा के अंडे देने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में सड़क पर बिखरे हुए कुछ अंडे को भी देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक वीडियो मादुर गांव में एक टीचर ने शूट किया है। वीडियो शूट करने वाली टीचर के ही घर में कोबरा था जिसे देखने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसको बाहर निकालने के लिए वो क्या करे। इन्होंने लोकल एरिया में ही रहने वाले सांप पकड़ने वाले का एक एक्सपर्ट को बुलाया। सांप पकड़ने वाले ने जब उसको पकड़ने का प्रयास किया वह सड़क की तरफ चल गया। सड़क पर पहुंचते ही सांप ने अंडा देना शुरू कर दिया। बाद में सांप को पकड़ लिया गया और उसे पास के जंगल में छोड़ दिया गया। उसके अंडों को सांप पकड़ने वाले ने यह कहते हुए रख लिया कि जब ये अंडे फूटेंगे या जब इससे बच्चे निकलेंगे तो उन्हें भी छोड़ दिया जाएगा। प्रियंका गांधी का रैली में पीएम मोदी पर तंज, मैंने अपनी जिंदगी में इनसे बड़ा कायर कमजोर प्रधानमंत्री नहीं देखा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 9 मई को हरियाणा के सिरसा में रैली कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सिरसा में भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी को अगर राजीव गांधी जी और मेरी बात करनी है तो जरूर कीजिए, दिल खोल कर कीजिए। आपने राफेल मामले में क्या किया और क्या नहीं किया। लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज 9 मई उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को कायर और कमजोर प्रधानमंत्री बताया है। प्रियंका गांधी ने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इनसे बड़ा कायर और कमजोर प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा है। राजनीतिक शर्त टीवी पर बड़े बड़े विज्ञापन दिखाने से नहीं आती है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को लेकर यह भी कहा, राजनीतिक शक्ति वो होती है जो ये माने कि जनता ही सबसे बड़ी, आप जनता की बात सुनने की शक्ति भी होनी चाहिए, जनता की परेशानियों और समस्याओं को सुलझाने की शक्ति हो, आलोचना सुनने की शक्ति हो, विपक्षी दलों की बात सुनने की शक्ति हो। लेकिन पीएम तो आपकी बात सुनना तो छोड़ दीजिए, जवाब देना भी नहीं जानते हैं। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।